शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, सहायक आचार्य गलगोटी आज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश NIOS के स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा विभिन्न राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के प्रयास, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है कि समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता अथवा सामुदायिक भावना के जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन के सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए स्वतः ही विकसित हो जाता है। सामान्यतः समुदाय का क्षेत्र उसके समुदायों की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करता है। कुछ समानताओं की वजह से हम समुदाय के रूप में रहते हैं, जैसे भाषा, क्षेत्र, प्रथाएँ, संस्कृति एवं परम्पराएँ, व्यवसाय तथा उद्देश्य। हम किसी न किसी वजह से हमारे कोई ना कोई समानता होती है जिसके कारण हम एक समुदाय के रूप में रहते हैं, समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भाषा हमारी एक है तो हम एक समुदाय के रूप में रहते हैं, या किसी क्षेत्रीयता के आधार पर हम समुदाय में बंध जाते हैं, या प्रथाओं के आधार पर हम बंध जाते हैं, संस्कृति एवं परम्पराओं के आधार पर बंध जाते हैं, या व्यवसाय एक व्यवसाय से हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर एक व्यवसाय है, तो एक टीचर कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी हम इस तरह से उच्चारित करते हैं, या एक उद्देश्य, कोई एक हमारा एक गोल है जिसके कारण हम उससे बंध जाते हैं, एक समुदाय में बंध जाते हैं, एक समुदाय बनता है किसी न किसी कारण से। सामुदायिक भागीदारी के उद्देश्य। शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। कि सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? पंचायती राज व्यवस्था जब से आया तो समुदाय को शिक्षा में इन्वॉल्व किया गया, शामिल किया गया। कि पंचायती राज व्यवस्था आने से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, शिक्षा में भी आया। CABE कमेटी 2005 में जो आया उसने भी रिकमेंड किया कि समुदाय के लोगों को हम शामिल करें। उसकी रिकमेंडेशन में यही थे, जितना हम समुदाय के लोगों को शामिल करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था आने से ये और दृढ़ हो गया कि समुदाय के लोग को भी आपको इंक्लूड करना है, उनके साथ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो मेन सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। कैसी शिक्षा सब तक पहुँचे? समुदाय के लोग शामिल होंगे तो सब जन जन तक शिक्षा पहुँचे, तो ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था। सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा की उपलब्धता तथा नामांकन, सभी स्कूल की शिक्षा सबको मिल पाए, उपलब्ध हो पाए और बच्चे नामांकित हो सकें, ये सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य था। समुदाय की सहायता से ही ये संभव हो सकता है। शिक्षा में समुदाय और माता पिता परिवारों को शामिल करने का प्रयास। इसका लक्ष्य शैक्षणिक वितरण में सुधार करना है ताकि बच्चे बेहतर सीख सकें। शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के लिए भागीदारी। समुदाय की भागीदारी शैक्षणिक प्रणाली को कुशल बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधनों को बढ़ाने का माध्यम है। सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों, समस्याओं, आकांक्षाओं और हितों के लिए शिक्षा को अपनाने के लिए भागीदारी। उस कमजोर वर्ग के हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके हितों के लिए शिक्षा को अपनाने के लिए भागीदारी, किसी समुदाय के लोग सभी उसमें इन्वॉल्व हों, शामिल हों। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हित स्कूल प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी। स्कूल की गुणवत्ता में सुधार आए, जैसे आपने पढ़ा होगा पिछले वॉल्यूम में पढ़ा होगा कि BEC, MSMC, विलेज एजुकेशन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो क्यों बनाया गया? ताकि अधिक से अधिक लोग, समुदाय के लोग स्कूल प्रबंधन में पार्टिसिपेट कर सकें, समुदाय में सक्रिय भागीदारी कर सकें। समुदाय के लोग जितने उसमें शामिल होंगे उतना ही उनकी सक्रियता, भागीदारी होगी, उतना ही गुणवत्ता बढ़ेगी, कि मॉनिटरिंग बढ़ेगा। समुदाय के लोग शामिल होंगे, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो भी हमें पता चलेगा। जहां समुदाय की सेवा प्रदाताओं पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वे बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे। रिसर्च में भी आया है, कई रिसर्च हुई हैं, देखा गया है कि जहां समुदाय के लोग अधिक से अधिक उसमें इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, सेवा प्रदाताओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वे बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे, अधिक से अधिक काम करते थे, इन्वॉल्वमेंट उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, आउटकम ज़्यादा था। गतिविधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें हम सामुदायिक भागीदारी कर सकते हैं? जैसे जानकारी एकत्रित करना और विश्लेषण करना, आपको वो जानकारी एकत्र करना है, उनका विश्लेषण करना है,
उनको डाटा कलेक्ट करना है, तो आप समुदाय के लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं, उनको आप उनकी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। प्राथमिकताओं को परिभाषित करना, लक्ष्य निर्धारित करना कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, तो वो समुदाय उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उपलब्ध संसाधनों का आकलन कि हमारे चारों रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो उसके आकलन में समुदाय अच्छे से सहयोग कर सकता है, उसमें भागीदार कर सकता है। कार्यक्रमों का निर्णय और योजना बनाने में समुदाय भाग ले सकता है, भागीदारी हो सकती है उसके, और जो ये कार्यक्रम है उनको लागू करने में और प्रतिभागियों के बीच कैसे काम को बांटा जाए, उनकी क्या रणनीति रहना चाहिए, उसकी रूपरेखा प्रदान करने में समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है। कार्यक्रमों की व्यवस्था कैसे व्यवस्था की जाए, स्कूल की जितने भी कार्यक्रम हैं, तो उस समुदाय के लोग अच्छे से उसमें सहभाग कर सकते हैं। कार्य के प्रगति की निगरानी करना, जो काम हो रहा है, कोई भी स्कूल में कार्य चल रहा है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसे क्या प्रोग्रेस है, जो चेंजेस लाए हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसकी मॉनिटरिंग करना, या उसे क्या परिणाम आए, या कुछ चेंज लाए तो उसे क्या प्रभाव आया, उसका मूल्यांकन में भी समुदाय के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, समुदाय के लोग उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सहभाग कर सकते हैं। अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संग्रह करना, समुदाय के लोग अच्छे से उसमें सहभाग कर सकते हैं। नीति निर्माताओं के साथ संवाद, उनके संवाद करने में, उनके एक आइडिया देने में, जो भी करिकुलम या पॉलिसी फ्रेमवर्कर्स हैं उनको आइडिया देने में, उनसे बात करेंगे, उनसे पता चलेगा कि हमारे ग्रास रूट लेवल समस्याएं क्या हैं, उसकी हेल्प से वो पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं, तो वहाँ भी समुदाय के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल प्रबंधन है या पाठचर्या डिजाइन है या सीखने के निर्माण की सामग्री का विकास करना, इन सब में समुदाय इसमें सहभागिता कर सकता है। स्कूल के निर्माण में, स्कूल बनाना है, स्कूल की ज़मीन देना है, स्कूल को फंड देना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें भी सहभागिता कर सकता है। और सर्वशिक्षा अभियान आया तो उसमें किस तरह से समुदाय की भागीदारी हो सकती है, तो उसमें शिक्षा की योजना और प्रबंधन में समुदाय और माता पिता की भागीदारी शामिल करना सर्वशिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। कैसे शिक्षा की योजनाएं हैं, प्रबंधन है, उसको समुदाय की भागीदारियों की जाए, उसमें शामिल किया जाए, कैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, कम्युनिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व हों, ये सुनिश्चित किया गया सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत। जो राइट टू एजुकेशन आया उसको लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामुदायिक आधारित संस्थान, जैसे माता पिता शिक्षक संघ PTA, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति और पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को उसमें शामिल किया गया कि ताकि अधिक से अधिक कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हों। जितनी कम्युनिटी के लोग शामिल होंगे तो उससे ही हमारे शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, शिक्षा को हम एक्सेस करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं जन जन तक, तो पॉसिबल हो सकता है। अब विभिन्न राज्यों में क्या क्या काम किए गए हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहल हैं जिसमें राज्यों ने भूमिका निभाई है, तो जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में कम्युनिटी की सहायता से एक पहल स्टार्ट की गई, जैसे कम लड़कियों के लिए बाल मित्र केंद्रों की स्थापना करना, इसमें लड़कियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था कि माता पिता शिक्षकों के चयन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पेरेंट्स हैं कम्युनिटी के लोग हैं तो शिक्षकों के चयन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहाँ केंद्रों की निगरानी करना और शिक्षकों के वेतन में योगदान भी देते हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया। और हम बात करें जैसे राजस्थान में 1987 में एक स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओबा शिक्षाकर्मी बोर्ड के सहयोग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट SKP। तो उसमें क्या था, परियोजना का लक्ष्य रिमोट और ग्रामीणों जो बच्चे हैं इलाके में रह रहे हैं वहाँ तक शिक्षा की पहुँच करना था, कि वहाँ तक जो रिमोट में बहुत पिछड़े एरिया में रह रहे हैं, तो पर जो प्रोजेक्ट था शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट, उसका उद्देश्य था कि वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, ग्रामीण अंचल तक शिक्षा पहुँचे, प्राइम ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय में अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान देना था, विद्यालय में बच्चे हैं और टीचर नहीं आ रहा है, तो उसको भी फोकस करने के लिए इस शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट को लाया गया। इसमें क्या, जो स्थानीय निवासी हैं तो उसमें स्थानीय निवासियों में जो एकल विद्यालय हैं या विद्यालय बंद पड़े हैं, शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, तो उसमें दो दो स्थानीय लोगों को शिक्षाकर्मी के रूप में उसमें नियुक्त करना था,
कि जो बंद पड़े हैं और एकल विद्यालय हैं, तो कम से कम दो दो स्थानीय लोग उसमें एज ए टीचर उसमें काम करें, जिसको शिक्षाकर्मी नाम दिया गया। कम पंजीयन और ड्रॉप आउट दर की समस्या को काबू पाना था कि जो पंजीयन या बच्चे नामांकित नहीं हो रहे हैं, या नामांकित हुए तो उन्होंने शिक्षा छोड़ दी, ड्रॉप आउट दर है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब जो लोकल के जो दो पर्सन इंक्लूड किया गया, शिक्षाकर्मी को शामिल किया गया, तो वो लोकल जो पर्सन है, शिक्षाकर्मी है, तो वहाँ की ग्रासरूट लेवल पे समस्याओं को समझेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं, तो उसकी हेल्प से जो पंजीयन है उनके अधिक से अधिक नामांकन करना और ड्रॉपआउट दर को रिमूव आउट किया जा सकता है। महिलाओं की समानता व सशक्ति है, बढ़ावा मिले उनको, शक्ति मिले उनको, बढ़ावा मिले, उसके लिए भी कार्यक्रम चलाए गए। निम्नतम शैक्षिक उपलब्धि स्तर की कैसे प्राप्ति किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था। कमजोर वर्ग है उसको कैसे आगे लाएं, प्राम लाएं, मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो उसके भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए क्या क्या किया गया, उसमें शिक्षा के विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। अभिगम्यता की दृष्टि से लिंग और सामाजिक संवेदनशीलता को समर्थन किया गया। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं और शिक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, निरीक्षण की व्यवस्था की गई। शैक्षिक प्रयासों को पंचायत समिति, शिक्षाकर्मी सहयोगी, स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीण समुदायों का समर्थन हासिल किया गया। ऐसी एक दूसरी योजना आई 1992 में, राजस्थान लोक जम्बिश, राजस्थान सरकार की ही योजना थी इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वीकरण, कैसे उसको हम प्राप्त करें, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार ने एक लोक जम्बिश योजना का प्रारंभ किया, परियोजना का लॉन्च किया, जिसका मुख्य बल लड़कियों की शिक्षा और उसके विकास पर फोकस था। इसका महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, और तथा अन्य उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ष के 80% साक्षरता दर बढ़ाना था। जो 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के बीच में जो आ रहा है, तो कम से कम साक्षरता दर 80% तक बढ़ सके। प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण समुदाय का समर्थन और भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। लोक जम्बिश का मुख्य घटक स्कूल मैपिंग और सूक्ष्म नियोजन में समुदाय की भागीदारी था। स्कूल मैपिंग किया जाए, सूक्ष्म नियोजन किया जाए, तो उसमें समुदाय के लोगों को इंक्लूड किया जाए, समुदाय के लोगों को उसमें शामिल किया जाए। इसके तहत ग्रामीणों ने क्षेत्र सर्वेक्षण किया, हाउस होल्ड सर्वे किया, और हर बच्चे को मानचित्र पर दर्शाया। जो विलेज मैपिंग है, कम्युनिटी मैपिंग है, स्कूल मैपिंग है, हर बच्चे को उसमें लाइमलाइट किया, लाया मेन स्ट्रीम में लाया। इसमें प्रेरक दल, भवन निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति, शैक्षिक प्रबंध समिति तथा ब्लॉक स्टीयरिंग समूह समिति का भी गठन किया गया। तो एक बिहार सरकार ने एक यूनिसेफ और भारत सरकार की हेल्प से एक बिहार सरकार ने एक योजना लॉन्च की, जिसका नाम था बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। 1991 में योजना आई। इसका मुख्य बल वंचित वर्ग तथा महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था करना था। जो वंचित वर्ग हैं, SC ST, जिन शिक्षा नहीं पहुंचती है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी तथा महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था का अरेंजमेंट करना था। BEC ने महिलाओं तथा वंचित समूहों के सदस्यों का गठन किया और उन्हें बच्चों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए योजना तैयार करना था। ग्राम शिक्षा समितियों का आयोजन तथा समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना था, कैसे भी समुदाय की पार्टिसिपेटरी इंक्रीज हो। NGO के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना इस BP का मुख्य लक्ष्य था। एक स्ट्रेटजी बनाया कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कैसी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएं, बढ़ावा दें। महिलाओं के लिए जिला स्तर पर कोर समूह की रचना की गई। पंजीयन अभियान चलाया गया कि अधिक से अधिक बच्चे नामांकित हों। समुदाय के लोगों को इंक्लूड किया कि उस सबको कोशिश किया गया कि समुदाय के लोग उसमें नाम बच्चों के नामांकन में पार्टिसिपेट करें। ग्रामीण पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई ताकि वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक योजना आई 1993 में, विश्व बैंक की सहायता से एक योजना लॉन्च की गई, जिसका नाम था बेसिक शिक्षा परियोजना। इसका भी उद्देश्य था कि सभी के लिए शिक्षा परियोजना संस्था का दायित्व उसको दिया गया, उद्देश्य था कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पहुँचाया जाए, उनकी एक्सेस हो, पहुँच बने 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों के शिक्षा पहुँचे कैसे। तो ये मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, इस प्रोजेक्ट का। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक सार्वत्रिक भागीदारी, सभी को इन्वॉल्व किया जाए,
कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, तो सभी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, जो एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा है उसको उसमें भागीदारी दिया जाए जितनी मैक्सिमम दे सकता है। महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। योजना बनाने, प्रबंधन तथा सहायता देने हेतु संगठन बनाना। एक योजना और लॉन्च की गई थी 1995 में, एक योजना आई थी जिसका आरंभ 1995 में किया गया, उस विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजना में से एक है जिसका नाम था DPP, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, और विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक माना जाता है। इसको पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया और सबसे पहले कम से कम 5-5 डिस्ट्रिक्ट लिए गए योजना, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में इस योजना को बढ़ावा दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से केंद्र सरकार ने इसमें भी सहायता की और विश्व बैंक की सहायता से इसकी योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था कि सभी तक प्रारंभिक शिक्षा पहुँचे और सब लोग सार्वजनिकरण कि सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हों, समुदाय के लोग उसमें इन्वॉल्व हों और सभी स्तरों पर जिला विशिष्ट योजना, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण तथा क्षमता निर्माण पर बल देना था। इसका उद्देश्य और क्या था, जैसे अधिकतम विकेंद्रीकरण तो समुदाय की भागीदारी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पंचायत राज आया उसके बाद में सभी तक नीचे जो ग्राम शिक्षा समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है और भी जो ग्राम जो नीचे के कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं उन सबको कैसे इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। 100% पंजीकरण करना, जितने भी बच्चे हैं उनका 100% नामांकन करना और अवधारणा स्कूल में रोक के रखना उनको कि वो शिक्षा पूर्ण करके जाए, तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे हैं 100% बच्चों को शिक्षा की पहुंच में लाना, 6-14 जितने बच्चे हैं सभी तक शिक्षा पहुंचे, तो उसमें जो भी योजनाएं चलाई जा सकती हैं वे योजनाएं चलाएं लेकिन सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, तो उसमें समुदाय की भागीदारी को उसमें शामिल किया जाए, समुदाय के लोगों को इंक्लूड किया जाए ताकि सभी बच्चों तक ये योजना का लाभ मिले, शिक्षा पहुँचनी चाहिए। अधिगम के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कम से कम जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है वो प्राप्त हो सके। विद्यालयों में प्रतिरोध व ड्रॉप आउट पर नियंत्रण पाना, जो बच्चे देखा होगा स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज की जो समस्या है तो उसको दूर करना, उस पर नियंत्रण पाना। कुछ देखा होगा आपने कि दो या तीन या चार क्लास तक शिक्षा ली उसने छोड़ दिया, अब जो उस पर सरकार का व्यय हुआ वेस्ट हो गया पैसा, तो उसे वेस्टेज हम कहते हैं, और या स्टैग्नेशन कि एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, तो उस समस्याओं से नियंत्रण पाना था, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे वेस्टेज और स्टैग्नेशन को हम रिमूव आउट करें, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था। समाज के प्रत्येक घटक में पंजीयन में वृद्धि, कि बच्चे रजिस्टर्ड हों, बच्चे नामांकित हों, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के उनको इंक्लूड करें, उनकी सहायता से बच्चों को नामांकन को बढ़ावा दिया जाए। विकेंद्रीकृत शैक्षिक आयोजन के लिए शिक्षा को एक इकाई माना गया, इसमें एक इकाई के रूप में लिया गया, इसमें संसाधन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय स्तरों पर लाने का प्रयास किया, जो स्थानीय ग्रास रूट लेवल है, पंचायती राज व्यवस्था है, तो उसमें जो ग्राम प्रधान है, BEC है, SMC है और जो ग्रास रूट लेवल पर जो कमेटी है उसमें स्थानीय स्तरों पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को राइट दिया गया कि उस पर निर्णय लें कैसे शिक्षा सब तक पहुँचना चाहिए। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर तथा CRC के माध्यम से शैक्षिक क्रियाकलाप को सहायता प्रदान करना, उसकी हेल्प से शिक्षा जो एक्टिविटी है BRC CRC के माध्यम से वो एक्टिविटी संपन्न हो, एक्टिविटी कंप्लीट हो। कार्यक्रम को अधिक मजबूत बनाए रखने के लिए उसे अधिक परामर्शी, प्रतिभागितापूर्ण और पारदर्शी बनाया जाए, तो उसके लिए भी तरह तरह की एक्टिविटी इसमें, कार्यक्रम इसमें किए गए। और भी कई स्टेट में योजनाएं चलाई गई हैं, तमिलनाडु में योजना चलाई गई हैं ताकि बच्चों के नामांकित हों, और कर्नाटक में योजना चलाई है, बिहार में योजना अभी बात किया, और भी कई योजना चलाई गई ताकि समुदाय के लोग अधिक से अधिक उसमें इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। समुदाय के लोग जितने भागीदारी बढ़ेगी समुदाय के लोगों की, उतना ही शिक्षा का विकास होगा, बच्चों तक शिक्षा पहुँच सकती है, उनकी एक्सेस पहुंच सकती है, हम बच्चों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं, जो विकास लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा का
और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम समुदाय के लोगों को इंक्लूड करें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।